हम लोग बातचीत करेंगे, एनवायरमेंटल इथिक्स पर बात करेंगे कि क्या क्या इथिक्स हैं, कौन से रिलीजियस प्लांट्स हैं जिनका उल्लेख रामायण में है, जिनका उल्लेख गीता में है, कौन से ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं, कितना कारोबार मेडिसिनल प्लांट्स का हो रहा है। और हम सिर्फ मेडिसिनल प्लांट कहकर ही छूट नहीं सकते, बल्कि उसके पीछे कई सारे हमारे जो जो बेसिक इश्यूज हैं वो भी इस पर आने हैं। तो आज शुरुआत करते हैं कि एनवायरमेंटल इथिक्स पर। एनवायरमेंटल इथिक्स क्या है? हमारी जो मॉरल जिम्मेदारी है, हमारी जो मॉरल रिलेशनशिप है, क्योंकि जो पर्यावरण है वो मानव से जुड़ा हुआ है। और ये जो हमारी वैल्यूज की बात करते हैं ना, हम वैल्यूज क्या वैल्यूज दे रहे हैं, तो ये हर नागरिक पर, हर विश्व के हर नागरिक का परम कर्तव्य है कि वो पर्यावरण के प्रति अपने जो जो उसके कर्तव्य है, जो उसका ऋण है, उसको चुकाने के लिए हमेशा प्रयास रहे। सेंसिटिव है, बी सेंसिटिव कहते हैं जिसको हम। और अगर हम शुरुआत करते हैं, देखिए पारिस्थितिकी तंत्र होता है, पारिस्थितिकी तंत्र में जिसको हम इकोसिस्टम भी कहते हैं। अब इकोसिस्टम पर हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बड़ी बड़ी बातें हो जाएंगी, लेकिन इकोसिस्टम पर जब हम बात कर रहे हैं तो एबायोटिक कंपोनेंट, बायोटिक कंपोनेंट, जैविक अजैविक और साथ में डिकम्पोजर्स हैं। तो हर का रोल है, देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स का भी, एबायोटिक कंपोनेंट्स का भी और आपके डिकम्पोजर्स का भी। तो ये सवाल ये है कि हम केवल बायोटिक के बारे में ना सोचें, एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में भी सोचें, उनके प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है, इस भाव को लेकर चलें। और यही हमारी मॉरल रिलेशनशिप कहते हैं, ये मॉरल रिलेशनशिप है। देखिए 17,50,000 प्रजातियां अभी तक ज्ञात करी जा सकी हैं। डेविड एंड हेवुड का ये आकलन है कि 17.5 लाख ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी, दैट इज अ पार्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग। ह्यूमन बींग जिसको हम होमोसेपियंस कहते हैं, वो इस संसार का राजा समझने लगा है अपने को, जबकि ऐसा नहीं है। 17,50,000 प्रजाति में एक प्रजाति कम करिए मानव को, और फिर देखिए उनके हकदारी भी उतनी ही है जितनी हमारी हकदारी है। और जब हम आज बड़े बड़े इश्यूज पर बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज पर बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर बात करते हैं, तो तमाम जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो इस तथ्य पर निकले हैं कि अगर हम जैव विविधता को जो जो स्थिति पर हमें मिली है, यानी कि हर बायोडाइवर्सिटी के कंपोनेंट का इकोसिस्टम में अपनी अपनी उपयोगिता है, और उस उपयोगिता को बनाए रखने के लिए हमें हर स्पीसीज के कंजर्वेशन की बात करनी पड़ रही है। तो कंजर्वेशन ना हो, वो प्रकृति में अपने जो स्वभाव, जो उसका हैबिटेट है, उस हैबिटेट में स्वतः ही हो जाए। तो ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए सबसे बड़ा कर्तव्य है ये देश, ये प्रदेश, ये हिमालय इससे उठकर है, ये पूरे विश्व की बात करता है। ये नहीं कहता कि हिमालय में कोई परेशानी आएगी तो उसको केवल हिंदुस्तान के लोग ही भोगेंगे, या वो दूसरे जो हमारे कंट्रीज हैं उन कंट्रीज में भी उसका बैड इंपैक्ट होगा। तो ये पर्यावरण में कोई सीमा नहीं है। देखिए ज्योग्राफिकल सीमाएं निश्चित रूप से देश को निर्धारित करती हैं, लेकिन पर्यावरण की सीमाएं किसी को निर्धारित नहीं करती हैं। तो ये हमारा इंटरेक्शन पर्यावरण के प्रति कैसा हो, हम कैसे संजीदा हो। मैं इस बात को भी कहना चाहूंगा कि हम अब जब हमारा जन्मदिन होता है, देखिए तो हमारा जन्मदिन जब होता है तो हम अपने जन्मदिन को मनाते हैं। क्या हमने कभी ये सोचा कि किसी पेड़ प्रजाति के पौधों को हम हर वर्ष अपने जन्मदिन के अवसर पर लगाएं, और टोटल लाइफ अगर मैं 80 कहूं, 85 कहूं, 90 कहूं, तो 90 पेड़ भी अगर हमने पौधे उसके लगाए, तो क्या हमारा इस प्रकृति के प्रति जो ऋण है वो पूरा हो पाएगा। देखिए मानव है हम लोग, सब लोग, हमें जेनेटिक आधार पर माँ बाप से जन्म मिला क्योंकि वो मानव है, हम भी मानव हो गए। अब दूसरा सवाल ये आया कि जैसे ये शरीर इस धरती पर आया, इस धरती के साथ इस शरीर को बनाने का जो मौका है वो किसको मिला? प्लांट डायवर्सिटी को मिला। हमने कहा कि हम नॉन वेजिटेरियन है तो आपको गोट और मुर्गों ने कहूंगा कि सपोर्ट किया आपकी बॉडी को। तो हम जिस शरीर पर गुमान करते हैं उस शरीर को जो आवश्यक तत्व थे वो इन सब ने दिया, इस पानी ने दिया, इस भोजन ने दिया, और ये फूड चेन सिस्टम के पार्ट हो गए हम। दूसरा जो भोजन हम खाते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, देखिए लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, और इस थर्मोडायनेमिक्स में जब हम ऊर्जा का आदान प्रदान कर रहे हैं तो ऊर्जा कहां से आ रही है? जो ऑक्सीजन है पौधों से आ रही है, वो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ रहे हैं। और कोविड काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन की कमी से भी कई हमारे जो विद्वत जन थे वो हमको छोड़कर चले। तो ये ऑक्सीजन का कमाल आप देख रहे हैं, ये ऑक्सीजन लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को मेंटेन करने में और ऊर्जा का आदान प्रदान करने में, ऑक्सीकरण करने में महत्वपूर्ण रोल कर रही है। तो देखिए हमारा शरीर, तो हमारा शरीर कहाँ है? अगर मैं इसको फिलॉसफी में कह दूं कि गीता कहती है, भगवत गीता में लिखा है ना कि आत्मा, आत्मा का काम है शरीर की मेंटेनेंस करना, शरीर का केयर टेकर है आत्मा।
और शरीर नहीं तो आत्मा का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। देखिए ये फिलॉसफी है, ये फिलॉसफी के साथ साथ आप देख रहे हैं कि इसी तरह से हम जब सोचेंगे कि हम पूरे विश्व के 17,50,000 प्रजातियों में, जिस तरह से बाघ भी एक प्रजाति है, हाथी भी एक प्रजाति है, चींटी भी एक प्रजाति है और हम भी एक प्रजाति हैं, तो हमको सबका को एग्जिस्टेंस स्वीकार करना होगा। और जब हम इस स्वीकार करने की इस दृष्टि से, इस फिलॉसफी से आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमारा एनवायरमेंटल इथिक्स है वो हमारे कल्चर में आ जाएगा, वो हमारे कल्चर में आ जाएगा तो हम निश्चित रूप से हमारे ब्लड में भी आ जाएगा। और जब हम ब्लड में आ जाएगा तो मैंने शुरुआत करी थी पर्वों से, उन पर्वों का और महत्व बढ़ेगा और हम सेंसिटिव हो जाएंगे इस प्रकृति के, पर्यावरण को बचाने के लिए। कम से कम सतत विकास के क्रम में, सस्टेनेबिलिटी के क्रम में, जिस हालात में पर्यावरण आज हमें मिला है उस हालात में छोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। अब सवाल यह है कि हमें क्यों जरूरत पड़ रही है ये पर्यावरणीय इथिक्स पर, पर्यावरणीय हमारे जो मॉडल्स हैं या हमारे जो नैतिकता है वो क्यों सवाल आ रहा है? क्यों? क्योंकि जो एनवायरमेंटल डैमेज है, जो हमारी जनरेशन ने, प्रेजेंट जनरेशन ने या हमसे पहले वाली जनरेशन ने इसको डैमेज किया है, उसका भोग हम भी भोग रहे हैं और आने वाली पीढ़ी तो निश्चित रूप से भोगेगी। तो अब सवाल यह है कि हम इस डैमेज को कैसे कम कर सकते हैं। देखिए पहला बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इस डैमेज को कैसे कम कर सकते हैं। मैंने पहले बात शुरू करी थी कि जो जलवायु परिवर्तन जैसे विषय हैं, जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग जैसे विषय हैं, उन विषयों को हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, पर्यावरण की जो बायोडायवर्सिटी है उसको बचाकर, उसको सस्टेन करके, उसके कंजर्वेशन के प्रति ध्यान देकर, उनके हैबिटेट जिनको हम आवास कहते हैं, उनका जिस तरह से आप देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है, जिस तरह से वो समाप्त हो जा रहे हैं, तो स्पीसीज अपने आप ही समाप्त हो जा रही है। अब पर्यावरणीय अगर हम बात करें, पर्यावरणीय देखिए आप सब विदिती हैं, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, लैंड पॉल्यूशन है, और इतना सारा हमने पोल्यूशन कर दिया है, साथ में हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्स डिप्लीशन कर रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के हैबिटेट को खत्म कर दे रहे हैं, तो हैबिटेट को खत्म कर रहे हैं तो हैबिट खत्म हो जा रहा है, हैबिट खत्म हो रहा है तो स्पीसीज का डिप्लीशन हो रहा है, और इतना सारा हम फॉसिल फ्यूल और जो हमारे संसाधन है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सीमा ही नहीं है। हमको 1.5 बिलियन अर्थ की और जरूरत है आज कि हम अपने संसाधनों को पूरा कर सके। तो हमें जो सवाल है, जो हमारे सिद्धांत है इस नैतिकता के क्रम में, इस इथिक्स के क्रम में, कि हमें इस प्रकृति का सम्मान करना होगा, हमें बिल्कुल सम्मान करना होगा, और हमारे अंदर ये विनम्र भाव होना चाहिए कि हम प्रकृति के, प्रकृति ने हमको रहने के लिए दिया है, ये नहीं कि हम प्रकृति को चला रहे हैं। मैं कहता हूं कि इंसान है, मानव है, तो हम किसी भी पहाड़ को काट देंगे, किसी भी फॉरेस्ट को काट देंगे। ये हमारी सोच इस बात को दिखाता है, जो हम कहते हैं ना, हमारी सोच को दिखाता है कि हम कितने बड़े डोमिनेटिंग हैं। लेकिन कभी हमने सोचा कि इस पहाड़ के में अगर जंगल की कमी है तो हम इसको कैसे, इसका क्षेत्रफल बढ़ा सकते हैं, या जो हमारे तमाम ग्लेशियर्स हैं उनमें जो गलन की जो जो गलन हुई है बर्फ की, उस बर्फ की गलन को रोकने में हम कैसे कारगर हो सकते हैं। तो हमें इस प्रकृति का सम्मान करना होगा, हमें इस प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहना होगा। जैसे आज फूल डे का त्योहार हम मना रहे हैं, प्रकृति के साथ फलियारी बात करी है, पुष्प की अभिलाषा पर बात करी है। देखिए उसी पर जब पुष्प की बात आ गई तो मुझे माखनलाल चतुर्वेदी जी की दो पंक्तियां जरूर याद आती हैं, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गाथा जाऊं, उस पथ पर डाल देना बनमाली, जिस पथ पर जाए बीरने। देखिए पुष्प की है ये बिहारी साहब माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। अब बिहारी को आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको रस आनंद मिलेगा, संस्कृत में जाएंगे तो कि पुष्प को कैसे डिफाइन किया गया, लिटरेचर भी पुष्प के आधार पर चल रहा है। लेकिन क्या एवरीबॉडी इज सेंसिटिव टूवर्ड्स द सेविंग द एनवायरमेंट? तो हमें प्रकृति के साथ रहने की, प्रकृति को संरक्षित करने के लिए इस विचार को न केवल कौंधना है, अपने मस्तिष्क में लाना है, बल्कि हमको उस क्रम को आगे ले जाना है। तो इसके लिए क्या होगा, हर नागरिक की, विश्व के 7 बिलियन लोग हैं, हम 7 बिलियन की जिम्मेदारी है कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम जिम्मेदारी लें और हम बात करें कि इस हमारे इस कृति से पर्यावरण में कितना नुकसान होगा, और उसका आकलन करने के बाद उसको मिटिगेट करने का प्रयास हम सब करें। और मिटिगेट करने के साथ साथ जो बड़े प्रोजेक्ट जिसमें भारी नुकसान की संभावना है उन प्रोजेक्ट्स को रोकने का प्रयास करें। साथ ही हमारे पास जो लोकल नॉलेज है, जो भाई थियोफ्रेस्टस की बात करते हैं ना, हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब देखिए अलग अलग सपने होते हैं, स्वामीनाथन बोरलॉग के साथ काम किए, बोरलॉग ग्रीन रेवोल्यूशन के पूरे विश्व के जो है हमारे जनक बने,
और स्वामीनाथन हिंदुस्तान में बने, तो मैक्सिको लोगों ने एक सपना देखा कि कोई भी भूखा न सोए, उन्होंने गेहूं की वैरायटियां बना दी थी। तो ये तमाम सपने हैं देखिए। और जिस तरह से हमारे कलाम साहब का भी है ना, सपने सोकर देखने के लिए नहीं होते, उनको तो क्रियान्वित करना होता है। तो ये जो हमारी लोकल नॉलेज है, लोकल नॉलेज मतलब वैद्य सिस्टम जो था हमारे, देखिए आज भी बच्चे को जौंका लगता है तो क्या खिलाते हैं, गंदरेणी। आज भी कई सारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम में है, लेकिन जो जो शहरीकरण में आ गया वो कहता है गंदरेणी में कोई पावर नहीं है। एंजेलिका जो है वो कितनी इफेक्टिव है उस जौके में, डिसेंट्री और जो उल्टी का बड़ा लाइलाज दवा, वो निश्चित रूप से बच्चों के लिए कारगर हुई है। तो ये हमें ये ज्ञान को बचाने की जरूरत भी है, और ये जो इंडिजीनियस इन्वायरमेंटल नॉलेज है उसको रेस्पेक्ट करने की जरूरत है। लोकल शेयरिंग की बात जो लोग करते हैं, कि चाहे हम उत्तराखंड के लिए भी बार बार बात करते हैं, ग्रीन बोनस दिया जाना चाहिए ताकि उत्तराखंड के 65% जो वन भाग है वो बचे रह सके। अब ये तो दिस इज अ गवर्नमेंट रिलेशनशिप या पॉलिटिक्स है, आप इसमें लीगल प्रोविजंस भी होने चाहिए, और साथ में हमारे जो जो हमारे प्रतिनिधि हैं उनका भी ये काम है। देखिए तो हर व्यक्ति का काम है, और हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, एक लंबी इनिंग खेलनी पड़ेगी। लंबी इनिंग का मतलब लॉन्ग टर्म प्लान्स हमको लाने होंगे। इसके लिए सरकार ने थोड़ा बहुत प्रयास भी किया, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये जो स्टेट्स हैं, हिमालयन स्टेट्स हम कहते हैं, इनके कई सारी मीटिंग्स इसमें हुई, लेकिन अभी तक कोई कारगर आपको कदम सामने नहीं दिखा दिया है। तो हमारा पॉइंट क्या है, एनवायरमेंटल इथिक्स क्या कहता है? एनवायरमेंटल इथिक्स कहता है कि रिकॉग्नाइज द प्लांट एंड एनिमल राइट्स, हमें प्लांट और पौधे और जानवरों के अधिकारों को समझना होगा, और तब हमें पता चलेगा कि इस पृथ्वी में अपने आप में कितनी ताकत है। देखिए मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि कई सारी कंट्री हैं जिनकी 5 से 30% की जीडीपी जो है इस जैव विविधता पर निर्भर करती है। वर्ल्ड की इकोनॉमी में 11% जो वर्ल्ड इकोनॉमी है दैट इज बेस्ड ऑन बायोडाइवर्सिटी। $26 ट्रिलियन, चाहे वो हमें कॉर्बेट पार्क के रूप में कहूं, चाहे वो हमें केमिकल के रूप में कहूं, चाहे वो सॉयल फॉर्मेशन में अर्थ के रोल को कहूं, वो हमें मिलता है। तो हमें इससे ये जानकारी भी मिलती है कि इंट्रिंजिक जो हमारा वर्ल्ड है, पूरा विश्व है, इसमें कितनी ताकत है, अपने आप में ताकत है। मानव मैं अगर इस बात को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं कि मानव अगर कहेगा कि मेरी अनुपस्थिति में भी क्या ऐसा रहेगा, बिल्कुल निश्चित तौर पर रहेगा। ये मानव का भ्रम है कि वो सोच रहा है कि मैं इस प्रकृति का राजा हूं। तो हमारी जो मॉरल ड्यूटी है, जो हमारा नैतिकता का सिद्धांत है, ये हमें नॉन ह्यूमन सिस्टम जो है उसको भी रेस्पेक्ट करना होगा, उसको रिकॉग्नाइज करना होगा। और जब हम रिकॉग्नाइज करेंगे तब हमें नॉन ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन पर्पजेस जो है वो दोनों को सॉर्ट आउट करने में, दोनों की उपयोगिता को हासिल करने में, उसको जानने में हमें निश्चित रूप से मदद मिलेगी। और हमारे पास कोई राइट नहीं है देखिए कि जो रिचनेस है, जो चाहे प्लांट की डायवर्सिटी है चाहे एनिमल की डायवर्सिटी है, उस रिचनेस को अपनी वाइटल नीड के लिए उसको समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हम भी वो भी प्रकृति में उतना ही हकदारी है, हकदारी उसकी भी उतनी है जो पौधा है, जो जीव है, और उतनी ही हमारी है। तो हमें जो आइडियोलॉजिकल चेंज की जरूरत है, और हमें जो लाइफ क्वालिटी है उसको उसको कहूंगा कि उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसको समझने की जरूरत है कि हम सबकी हकदारी। मैं जो फिर उसको बात को कहूंगा कि 17,50,000 प्रजातियां जो इस विश्व में हैं, जो आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं, हालांकि नंबर ज्यादा है, कोई कहता है 15 मिलियन तक होंगी, कोई कहता है 1 में 100 मिलियन तक होंगी, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन अभी जो एग्जिस्टिंग बात कर रहे हैं 17,50,000, तो 17,50,000 को हमको मेंटेन करने के लिए, हाई क्वालिटी ऑफ लाइफ मेंटेन करने के लिए उन सबका सम्मान करना होगा, और हमारा नजरिया उनके तरफ बदलना होगा, ताकि हम जो हमारे डिप्ट जो हमारे रिसोर्स जो संसाधन कम हो रहे हैं, जो प्राकृतिक संसाधन कम हो रहे हैं, उस पर हम यूटिलाइजेशन पैटर्न ऐसा करें, और उसको बढ़ाने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, इस पर बातचीत करें, इस पर साइंटिफिक क्लूज लाएं, और उसके साथ साथ जो हमारे रिसोर्स हैं वो वेस्ट ना जाएं। हमको इकोलॉजिकल बैलेंस बहुत जरूरी है। अभी अभी हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन ने क्या कहा है और कैसे इस कार्य को हम आगे लेकर चलेंगे। तो ये हमें वॉलंटरी मेजर से शुरुआत निश्चित रूप से, यूनाइटेड नेशन इसमें काम कर रहा है, कई सारी हमारे WWI है और कई तमाम संगठन है, IUCN है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो सफिशियंट नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो सफिशियंट है।
इसके लिए वॉलंटरी वर्क करने की जरूरत है, हर नागरिक को, विश्व के नागरिक को ये करने की जरूरत है। और यदि हम इनफ स्कार्स रिसोर्स को इकट्ठा करने में कामयाब हुए, उसको उसको कंजर्व करने में कामयाब हुए, तो फ्यूचर जनरेशन में भी क्वालिटी जो ऑफ लाइफ जो होगी वो सेटिस्फैक्टरी लेवल की होगी। हम सेटिस्फैक्टरी लेवल की बात कर रहे हैं, उच्च स्तरीय लाइफ की बात नहीं कर रहे हैं, जहां हमें पर्यावरण से कोई खतरा नहीं होगा। तो हमारा जो आज का विषय है, आप जब हम बात कर रहे हैं एनवायरमेंटल इथिक्स पर बात कर रहे हैं, हम अपनी पर्यावरणीय नैतिकता पर बात कर रहे हैं, तो हमें जो हमारे जो कंसेप्ट है, देखिए बेसिक और नॉन बेसिक राइट्स क्या क्या है इसको समझना होगा, हमारे मोराल क्या कहता है, हम प्रकृति के बारे में कैसा सोचते हैं, हमारे पास धार्मिक जो इश्यूज हैं तो धार्मिक पक्ष क्या कहता है हमारा, क्योंकि हम धर्म के मानने वाले, सब लोग धर्म के मानने वाले, किसी भी धर्म को मानते हैं, हर धर्म में पौधों और जानवरों की विशेषता दिखाई गई है, ये बात आपसे छिपी हुई नहीं है। आप मैंने अभी पौधों की बात करी थी, होली से फूलदेही से लेकर हरेला और फिर दिवाली तक हम तमाम इन पौधों को पूजते हैं। चाहे हम टीलियोलॉजिकल बात करें, टीलियोलॉजिकल मतलब वो कानूनी पक्ष भी बना है, लेकिन क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं है, ये समझने की जरूरत है। और उसका क्या कहूंगा कि उसका क्रियान्वयन हो, ये बात भी हमको सुनिश्चित करनी है। और दूसरा जो हमारे कल्चरल इम्पैक्ट है, देखिए जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, वो निश्चित रूप से हमको इस इंसान को पर्यावरण के साथ जोड़ती है। ये छुपी हुई बात नहीं है किसी से। चाहे मैं काफल की बात कर लूं, काफल पाको मैं नीचा को, जिसमें माँ बेटी की कहानी है, फिर कफुआ चिड़िया की एंट्री है, और ये सब तमाम इश्यूज दिखाते हैं कि जो पहाड़ हैं, जो हिमालयन स्टेट्स हैं, जो हिमालय के नजदीक रहते हैं, उनकी निश्चित रूप से पर्यावरण के प्रति एक अगाध प्रेम उनके कविताओं से, उनके गीतों से ये नजर आती है। तो हमें एक, जब हम इथिकल बात कर रहे हैं, तो हमें एक ऑब्जेक्टिव लेना होगा, हमें पर्सपेक्टिव और जजमेंट ऑफ द एनवायरमेंटल, क्या हम पर्यावरण के प्रति न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस बात को समझना होगा। समझने के साथ साथ हमारे जो सोच होनी चाहिए वो हम एक ऐसा ओरिजिनल मेथड को डेवलप करें जिससे हम सतत विकास के क्रम में हेल्दी ग्लोबल फ्यूचर की बात कर सके, यानी कि जो पूरा विश्व है वो स्वस्थ रहे, इस तरह की गाइडलाइंस हमको बनानी होंगी। और साथ ही जो हमारे एकेडमिक और जो प्रोफेशनल लिटरेचर है, उसमें हमको दोनों इशू पर बात करना होगा, एक तो पर्यावरण की हमारी जो मॉरल ड्यूटीज हैं, और साथ ही जो हमारा दर्शन है, दर्शन को भी हमें जागृत करना होगा ताकि वो एनवायरमेंटल इश्यूज पर काम करने में कारगर हो सके। तो ये निश्चित रूप से हमको समझना होगा, और जब हम इसको समझने में कारगर होंगे तो मुझे लगता है कि हम बेहतर काम करने की तरफ और इस पर्यावरण को बचाने की तरफ हम आगे बढ़ सकेंगे। तो ये इश्यूज को हमें ध्यान रखना है, और ये बात को जरूर ध्यान रखना है कि विश्व के हम एक नागरिक हैं, मैं जागरूक शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, हम नागरिक हैं तो हमारा कर्तव्य भी है, और इस कर्तव्य को हमें इतिश्री नहीं करना होगा। मैं ये काम करने में क्या हमको उपयोगिता होगी, देखिए अब हम बार बार, हम क्योंकि बहुत इंसान है, लालची भी है, हम लालची हैं, तो हमको पहले ये भी देखना होता है कि भाई हमारे ऐसे काम से क्या फायदा होगा, किसका फायदा होगा, क्यों फायदा होगा, तो ये तमाम सवाल भी हमारे अंदर आते हैं। तो हमें जो हमारे एनवायरमेंटल इथिक्स हैं, उस इथिक्स को कई सारी इंपॉर्टेंस भी है, देखिए उसको क्यों, क्योंकि हमें पहले तो जो हम अति कर दे रहे ना किसी भी चीज की, चाहे दोहन की बात करते थे, जैसे टेक्सस से टैक्सोल निकला तो सारा टैक्सस समाप्त कर दिया गया, थुनेर जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारी जो डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन एक्टिविटीज है। और हम क्या करते हैं, विकास जब हम करते हैं ना तो सारा पहाड़ का पहाड़ खोद देते हैं, और उससे तमाम हैबिटेट जो आवास हैं पौधों के, जानवरों के, आप लगातार देख रहे होंगे ना कि आजकल वाइल्ड लाइफ और ह्यूमन का बड़ा झगड़ा चल रहा है। और कई बार तो अभी मैं कल भी देख रहा था कि एक व्यक्ति को बाघ उठा के ले गया, उससे पहले एक घास काटने वाली महिला को बाघ ने खा लिया। तो ये तमाम इश्यूज क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमने उनके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में अतिक्रमण करने की कोशिश की है। और जब हम कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा क्या होता है, जो हमारे डिस्ट्रक्टिव मेंटेलिटी है ना वो ज्यादा कारगर हो जाती है, हम पॉजिटिव होना कम कर देते हैं। और साथ ही जो हमारे जो नॉर्मल वैल्यूज हैं टूवर्ड्स द नेचर, ये इसको हमने, मुझे लगता है कि बहुत सारा हम इस पर सीखते ही नहीं है, इस पर बातचीत करते ही नहीं है कि पर्यावरण कैसे बचेगा। निश्चित रूप से आप इस पर उदाहरण भी देना चाहूंगा कि हम गुलाम रहे, 1947 में हम आजाद हुए, देखे उससे पहले जितने अंग्रेज आए, हुकर ने 7 वॉल्यूम्स लिखे, यहाँ के प्लांट्स के प्रति इतना स्नेह उनका, यहाँ से हिंदुस्तान से पौधे ले गए, 7 वॉल्यूम्स ऑफ फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिख दिया उन्होंने।
देखिए वो भी इंग्लैंड जाके वो यहां से प्लांट्स ले गए, तो ऐसा ऐसा टेस्ट क्या हम लोगों पर है? 1947 के बाद आज 2022 है और हम हिंदुस्तानी इसमें निश्चित रूप से पीछे हैं। तो यूरोपियन लोगों का आप इससे इंटरेस्ट देख रहे हैं कि पर्यावरण के प्रति कितने सेंसिटिव हैं, कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। हालांकि यूरोप में भी कई सारी दिक्कतें हैं, अमेरिका में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और हिंदुस्तान में तो निश्चित रूप से दिक्कतें हैं, एशियन कंट्रीज में भी दिक्कतें हैं। तो हमें ये इन्वायरमेंटल इथिक्स की बात जब हम कर रहे हैं तो वो पूरे विश्व के लिए लागू होती है। और साथ ही हमें क्या करना होगा कि हमारा जो पर्सनल कंडक्ट है, जो हमारा पर्सनल व्यवहार है इस प्रकृति के लैंडस्केप की तरफ, रिसोर्सेज स्पीसीज की तरफ या नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म की तरफ, इसको मुझे लगता है कि बहुत कंसर्न की जरूरत है कि हम बार बार ये ना सोचे कि हम तो हम हैं, हमें कौन क्या कर सकता है। ये कंसेप्ट हमें चेंज करना होगा। हम मित्र भाव से या बी हम्बल जिसको हम कहते हैं प्रकृति के तरफ रहें, और हम जब ये ऐसा करने में कारगर होंगे तो ये निश्चित रूप से हमारे जीवन शैली में शामिल हो जाएगा और ये मॉडर्न फिलोसफी को जन्म देगा। और जहां हर व्यक्ति मुझे लगता है कि बात करेगा कारगरता की बात करेगा, हर व्यक्ति अपने पर्यावरणीय जो उसकी रचनात्मकता है उस पर बात करेगा। तो ये हमें अगर वर्ल्ड वाइड देखें, अब हम वर्ल्ड वाइड बात कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड वाइड एड्रेसेस में देखिए, नो एम्पेरिकल बेसिस फॉर इट्स आंसर, वो तो सब जगह है ना। एशियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज की बात कर रहे हैं या अमेरिकन कंट्रीज की बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि यूरोपियन कंट्रीज के लोग जो है सेंसिटिव है, लेकिन वहां इतना सारा विकास आ गया कि दूसरे सारे प्रॉब्लम्स आ गए। ऑयल स्पिलिंग से समुन्द्र खराब हो गए हमारे, हमने इतनी सारी मछलियां समुन्द्र से निकाल दी कि मछलियां ही नहीं बच रही वहां। तो ये तमाम इकोसिस्टम को खराब कर रहा है। देखिए तो हमारी जिम्मेदारी भी है और हम अपनी जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन करेंगे, वो कोई भी कंट्री कम नहीं है उसमें। ये हम ये नहीं कहेंगे कि अमेरिका कम है, वहां वो भी उतना ही जबरदस्त उसकी तरफ से भी पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, इकोसिस्टम को डिस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो हम जब हम बात कर रहे हैं कि तो पहले ये भी तो देखना होगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हम इस तरह की बात करेंगे कि क्या सही है पर्यावरण के लिए और क्या गलत है, तब हम शायद मुझे लगता है कि निश्चित रूप से हम कुछ बेहतर करने में कारगर हो सकेंगे। और हमें क्या करना पड़ेगा, हर व्यक्ति की भावनाएं जो चाहे वो आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का हो, उसकी एक पर्यावरण की तरफ एक बेहतर सोच होनी चाहिए। वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, वो MBA का हो, वो मैनेजमेंट का आदमी हो, तो ये हमें निश्चित रूप से समझना होगा। और जब हम ये करने में कारगर होंगे तब हम अर्थ पृथ्वी की बात करेंगे, पृथ्वी की बात करेंगे कि पृथ्वी में लाइफ सस्टेनेबिलिटी कैसे रहेगी, उसका पर्यावरण जो जो कमजोर हो रहा है उसको मजबूत करने में हम कैसे अपनी राय रख सकते हैं। तो ये हमारा फंडामेंटल विजन होगा। और तब हम वैल्यूज की बात करेंगे और परसेप्शन के साथ साथ जो हमारी प्रैक्टिसेस है, ताकि हम अपनी जो जीवन चक्र है, पूरे जीवन चक्र की बात कर रहा हूँ, इंसान के जीवन चक्र की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे जीवन चक्र यानी कि बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं, उनको ऑर्गेनाइज तरीके से हम मेंटेन कर पाएंगे। तो तीन दो तरह की मेनली है, देखिए ह्यूमन सेंटर्ड और अर्थ सेंटर्ड, दो प्रकार की जो वर्ल्ड वाइड आई है एनवायरमेंटल इथिक्स में, ह्यूमन सेंटर्ड क्योंकि ह्यूमन राजा है, उसमें सोचने समझने की शक्ति है, इसीलिए तो सबसे महान है, और जब सबसे महान है तो उसको महानता का वर्णन भी दिखाना पड़ेगा। और अर्थ कंसर्न, अर्थ में जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में अर्थ कंसर्न को भी आप देख सकते हैं, या दोनों का आपको कॉम्बिनेशन चाहिएगा। तो पृथ्वी तो भाई अजैविक तत्व तो बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, लेकिन बोलने और समझने की शक्ति किस पर है, इंसान पर। तो इंसान इस पृथ्वी के तत्वों को साथ लेकर चले, उनके कॉम्बिनेशन के साथ आगे बढ़े, और तब हम बेहतर कर पाएंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं कि बेसिक बिलीफ क्या होगा ह्यूमन सेंटर्ड की वर्ल्ड वाइड में, अगर हम देखें तो क्या जो प्लेनेट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, तो पूरा हमारा अगर हम किसी भी भाग को पृथ्वी के बदलने में कारगर होंगे तो निश्चित रूप से क्या करेगा वो, जो हमारा सिस्टम है उसको प्रभावित कर देगा, जो हमारा इकोसिस्टम है उसको प्रभावित कर देगा। तो हमें क्या करना है कि हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पीसीज को सर्वाइव कराना है, यानी कि हर स्पीसीज को सर्वाइव कराना है, ताकि जो हमारा नेचर है वो अपने आप रिचार्ज हो जाए। या हमें अनलिमिटेड सप्लाई रखनी है अगर रिसोर्सेज की, तो हमें सब्स्टिट्यूट्स फाइंड करने होंगे, हमें सब्स्टिट्यूट ढूंढने होंगे कि हम आयरन की जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्यूमिनियम की जगह किसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा है वो कहूंगा कि धरती के ऊपर की सतह में भी हो सकता है और निचली सतह में भी हो सकता है, उसके लिए हम कैसे अल्टरनेट सिस्टम ला सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है, जैसे ओजोन लेयर की डिप्लीशन हुआ, तो ओजोन लेयर के कोशिश किया ना अंतरिक्ष में जाकर उसको भरने का प्रयास किया गया,
अंतरिक्ष हो, जो होल्स हमारे ओजोन लेयर हो गया था, और 16 सितंबर को हम इसीलिए डे मनाते भी हैं ताकि हर पीढ़ी के लोग उसकी तरफ सेंसिटिव हो और सीएफसी का कम उत्पादन हो, ताकि जो हमारे होल्स हो गए हैं उस तरह की घटनाएं ना हो, तब हमें स्किन डिजीज जैसे रोगों से मुक्ति उसकी कमी हम लोग देख पाएंगे। और ये भी हमको देखना होगा कि जो हमारा अर्थ सिस्टम है, जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है, देखिए एक इंसान है, एक लाइफ है, मतलब एक लाइफ का मतलब मैं भी हो सकता हूँ, कोई पौधा भी हो सकता है, लेकिन उसको जो कंट्रोल कर रहे हैं वो किसके सहारे जी रहा है, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम क्या है, वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को भी मेंटेन करना होगा। और जब हम ऐसा करने में कारगर होंगे तो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ की लालसा है ना, वो मोर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसके साथ दिखाई देगी। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 26 ट्रिलियन डॉलर आपको बायोडायवर्सिटी से, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। और मैं तो ये भी कहता हूं कि एक वर्ष में 13,325 पौधे और एनिमल्स भी शामिल है उसमें, इंसान चाहे चाहे या ना चाहे वो उनका इस्तेमाल जरूर करता है एक वर्ष में। तो ये दिखा रहा है कि हम कितने डिपेंडेंट है, देखिए कितने डिपेंडेंट हैं हम अपने जीवन के लिए। और अगर हम जो लाइफ और अर्थ सिस्टम की बात करें, क्योंकि हम इथिक्स की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इस प्रकृति के प्रति, तो ये जो हमारे जो जो पोटेंशियलिटी है ना, वो जो हमारा ह्यूमन है, वो जो ह्यूमन है और उसके पोटेंशियलिटी, दोनों चीजों को देखना। पोटेंशियलिटी कहाँ से आ रही है, अर्थ से आ रही है, हम यूज करने वाले हम हैं, तो हमको इसका एक मैं कहूंगा कि इंट्रिंजिक वैल्यूज बनानी होगी। इंट्रिंजिक वैल्यू मतलब आपसी तारतम्य हमको बनाना होगा, और जब हम आपसी तारतम्य बनाने में कारगर होंगे तो निश्चित रूप से हम पूरे विश्व की जो प्रजातियां हैं उनको उस प्रकृति को उसके लिए छोड़ देंगे कि वो भी बेहतर तरीके से सर्वाइव कर सके। तो ये सर्वाइवल का सवाल है, ये सवाल है कि हम कितना रेस्पेक्ट इनका कर पाते हैं। और जब हम इन रेस्पेक्ट की बात करते हैं तो ये तमाम इश्यूज भी हमारे सामने आते हैं। देखिए आप इथिकल पर्सपेक्टिव की बात कर रहे हैं तो इथिकल पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं कि एंथ्रोपोसेंट्रिक है या स्टीवर्डशिप है या बायोसेंट्रिक है या एनिमल राइट है, और या आपके जो हमारे इश्यूज हैं इकोसेंट्रिक है या इको फेमिनिज्म है। तो ये डिफरेंट टाइप्स हैं जिसमें हम इथिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। और जब हम इथिकल पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो ये हमें निश्चित रूप से इन इन प्रकारों में देखना पड़ता है। जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक है, एंथ्रोपोसेंट्रिक क्या मतलब क्या है कि हम कहते हैं कि इंसान सबसे डोमिनेटिंग है इस नेचर का, अब उसके पास ही राइट है क्या कि रिसोर्स को ले और नेचर को गाली बके। तो ये हमें चूज करना है, देखो हमें ये चूज करना है और हमें ये बेहतर तरीके से समझाना भी है बाकी प्रजातियों को कि ये क्या कारगर है कि नहीं। देखिए ये हमारी सोच बुद्धि समझ के बात है कि हम ये कह रहे हैं कि हम तो राजा हैं साहब, हमारी मर्जी जो होगी हम उसको करेंगे, क्या हम ऐसा करने में कारगर हैं? और यही हम कर रहे हैं शायद, मुझे लगता है कि हम यही कर रहे हैं। तो हमें ये रोकने की जरूरत है या हमें स्टीवर्डशिप करनी है। स्टीवर्डशिप में जो मानव की जो जिम्मेदारी है ना, ये प्रकृति को बचाने के लिए, उसको मैनेजमेंट करने के लिए, उसको मैनेजर के रूप में भूमिका है। देखिए हर व्यक्ति की मैनेजर के रूप में भूमिका होती है, चाहे चाहे वो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी हों, चाहे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हों, वो मैनेजर है ना। देखिए उसके बाद फिर नीचे उसको लोग आते हैं, हम कहते हैं साहब हम फला हो गए, हम हमारे अंदर हर समय ये रहता है साहब, हम कहते हैं कि हम इंसान है, हमें कहने में शर्म आती, हम कहते हैं साहब हम ये हो गए, हमारे पास ये पद है। मैं कहूंगा साहब मैं तो डायरेक्टर रिसर्च हूँ। तो मैं डायरेक्टर रिसर्च किस लिए हूँ, क्योंकि कागज बढ़ाने के लिए एक माध्यम है बिटवीन द यूनिवर्सिटी एंड द कंसर्न पार्टी। तो उसके मेरी भूमिका सिर्फ कागज बढ़ाने की है। तो हम ये नहीं करते हैं, ये प्रकृति के प्रति भी हम ये सही करते हैं, हम अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उससे ज्यादा उठ के कहते हैं अरे साहब मैं तो बहुत बड़ा आदमी। तो हमको ये रोकना होगा देखिए, ताकि हम इस प्रकृति की केयर कर सकें, मैनेज कर सकें, उसको एज ए मैनेजर एक्ट कर सकें हम। तो हमें जो ह्यूमन और नॉन ह्यूमन फोर्सेज हैं उनको दोनों को मिलाकर काम करना होगा, और दोनों को मिलाकर जब हम काम करेंगे तभी सतत विकास की परिकल्पना साकार हो सकेगी। और ये कौन कर पाएगा, मानव ही कर पाएगा भाई, बाकी तो नहीं कर सकते ना, पौधों पर तो चलन नहीं है ना, वो बोल सकते ना समझ सकते। अब दूसरा जो इसका स्टीवर्डशिप का उदाहरण है वो है ह्यूमंस आर द पार्ट ऑफ द नेचर रादर देन द मास्टर। देखिए मैंने पहले ही कहा आपको, इस बात को बताया ना कि हम हर समय ईगो में रहते, हम ईगो को कम करें, हम मास्टर नहीं है इस प्रकृति के, हम केवल इंसान है, हम पार्ट है। 17,50,000 प्रजातियां माइनस वन होमो सेपियंस, वो बाकी के देखिए वो भी तो रह रहे हैं, लेकिन हम करें हम है, हम मैं हूं, तो मैं हूं हम है, यही
प्रकृति के विनाश के प्रति हमको सचेत करता है। और ये हमको ये सोचना होगा कि हम इस प्रकृति का भाग हैं, मास्टर नहीं है, उसको चलाने वाले नहीं है। बायोसेंट्रिज्म, बायोसेंट्रिज्म क्या है? जो बायोसेंट्रिज्म इथिक्स है, हम कहते हैं ना ये यूजफुल है ये नॉन यूजफुल है, तो हम कहते हैं यार साहब जो नॉन यूजफुल है उसको हटा दें। ये हमें समझना होगा। हमको हेलो भाई, आप क्लास पढ़ रहे हैं, प्लीज ऐसा ना करें, अपना म्यूट रखें आप। तो सवाल ये आया कि बायोसेंट्रिज्म में क्या है? बायोसेंट्रिज्म में जो हमारी वैल्यूज हैं कि हम देखते ना ये प्लस है ये माइनस है, तो हम प्लस 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 लेते रहते हैं, हम माइनस को छोड़ देते हैं। तो हम माइनस क्या, वो भी तो एक प्रकृति का भाग है, वो माइनस तो सेकंड इशू पर है। जो अगला इशू है इकोसेंट्रिक, इकोसेंट्रिक में क्या है कि जो हम जो हमारा इंटरेस्ट और प्रॉफिट, हम तो इसी में रहते ना कि इंटरेस्ट कहां से मिलेगा, प्रॉफिट कहां से मिलेगा, हमारे 100 रुपए को 10 रुपए ब्याज कैसे मिलेगा या 15 रुपए ब्याज कैसे मिलेगा, तो वही प्रकृति का हाल है। हमने अपना काम कर लिया, उनका चलो हमको क्या फर्क पड़ता है। तो हमें इंडिविजुअल्स के बारे में उसकी महत्वता जाननी होगी, और जानने के साथ साथ पूरे जो जगत है हमारा, जो जगत है उस पर उसको क्रियान्वित भी करना होगा। ह्यूमन जो है वो नेचर को इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज के साथ साथ जो अदर ह्यूमंस है ना, ह्यूमन के अलावा जो है उनकी भी इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू है, वो प्रकृति के इकोसिस्टम को मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। और एनी एक्शन इज बेस्ड ऑन द पर्सनल वेल्थ, और कोई भी इस पर कार्रवाई होती है तो वो हम पर कार्रवाई मानी जानी चाहिए। तो ये हमको सवाल करने भी हैं, और इस सवाल का जवाब भी हमें खुद ही देना। तो जो इको फेमिनिज्म है, देखिए इको फेमिनिज्म में क्या है, नॉन हायरार्कियल रिलेशनशिप है, प्लूरिस्टिक वर्ड है ये फिलोसफी, जो जिसमें इंसान जो है वो प्रकृति के एक भाग के रूप में, ना कि डोमिनेटिंग वे में, डोमिनेटिंग वे में यानी कि मैं ही हूं शब्द की जो परिभाषा है उस शब्द को हटाना पड़ेगा, और उसको जो पर्यावरण है उसके साथ घुल मिलकर रहना होगा, ताकि पर्यावरण की संचेतना के साथ साथ वो पर्यावरण को संरक्षित करने में आगे ले जा सकेगा, अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सकेगा। अब दूसरा सवाल जो आता है वो है एनवायरमेंटल जस्टिस। एनवायरमेंटल जस्टिस क्या हम कर रहे हैं? क्या हमारे पास सिविल राइट्स हैं? क्या हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, सेफ लाइफ के लिए बात कर रहे हैं, हेल्दी लाइफ की बात कर रहे हैं, या हम ये भी इश्यूज है। देखिए हम इश्यूज पर बात कर रहे हैं कि हम कैसे, हम हिंदुस्तानियों को अच्छा पर्यावरण मिला, पाकिस्तान को नहीं मिल रहा, या बांग्लादेश को नहीं मिल रहा, या बर्मा को नहीं मिल रहा। तो ये अगर हिमालय प्रभावित होगा तो सारी कंट्री प्रभावित होंगी। तो हमें ये सिविल राइट देखना है कि क्या अगर चाइना में कोई काम हो रहा है, जैसे कोविड काल में आपने देखा, तो ये इस पर भी नजर रखनी है। और ये मॉरल वैल्यूज में आता है कि हम ऐसा काम ना करें जिससे दूसरे जो जैविक घटक हैं वो प्रभावित हो जाए, या यूरोप में कोई ऐसा काम ना हो जाए जिससे एशियन कंट्री भी प्रभावित हो जाए, या एशिया में ऐसा कोई काम ना हो जाए पर्यावरण संबंध में जिससे यूरोप प्रभावित हो जाए। तो ये प्रोटेक्शन, डिमांड ऑफ ए सेफ लाइफ, ये इन्वायरमेंटल जस्टिस है। हमको इस बात में सोचना नहीं है बल्कि क्रियान्वयन करना है, और जब हम इसको करने में कारगर होंगे तो इन्वायरमेंटल रेसिज्म, जो हम बात करते हैं ना, लो इनकम ग्रुप है या माइनॉरिटी कम्युनिटी है, वो जो इन्वायरमेंट में रहती है उसके जो टॉक्सिस वेस्ट है, पोल्यूशन है, अर्बन डेक है, ये हम बिल्कुल बढ़ाते जा रहे हैं। देखिए ये इन्वायरमेंटल रेसिज्म है, हम अपनी पूर्ति के लिए उसका ढेर लगा दे रहे हैं, चाहे कूड़ा है, चाहे पोल्यूशन है, चाहे अर्बन डिक है। और अब जब हम इसको पूरा करते हैं तो फिर क्या होता है कि हम कहते हैं साहब ये तो इंडिकेट करने लगे हमें, हमारे शहर में ज्यादा गंदगी होने लगी है, बीमारी होने लगी है, तब हम इस बात को समझते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और जब देर हो चुकी होती है तो फिर हम कहां से उस पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये जब आता है, ये सारे इश्यूज आते हैं, तो टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म आता है। टॉक्सिक कॉलोनियलिज्म क्या है? ये हमारे जो इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स हैं फॉर एक्सपोर्ट और डिस्पोजल ऑफ द हैजार्डस वेस्ट पोल्यूशन बाय द डेवलप्ड स्टेट। तो अब इसमें भी देखिए जो हमारा वेस्ट है उसको कैसे, अब डिकम्पोजर्स तो काम नहीं कर सकते जो हमारे एबायोटिक कंपोनेंट है, हम जो प्लास्टिक सहित तमाम इश्यूज का इस्तेमाल कर रहे हैं उनका, उनके ढेर को कैसे कम कर सकते हैं। अब उसके लिए जो हमको ऐसी विधियां लानी होंगी जो पर्यावरण को फिर दूषित ना करें। पता चला हमने ऐसी मेथड लगाई जिससे ज्यादा पर्यावरण प्रदूषित होने लगा डिकम्पोजर्स के रूप में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। और जब हम इन इश्यूज पर, इस तमाम इश्यूज के जो इथिकल एनवायरमेंटल इश्यूज से जुड़े हुए हैं, जो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, अगर हम ऐसा करने में कारगर हुए तो हमको देखिए जरूरत तो सबकी है, सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक्स की। और ये जो सोशल कनेक्शन विद द एनवायरमेंटल, ये तो बियरेबल,
या सोशल इकोनॉमिक और सोशल में, अगर हम तीनों में जा रहे हैं सोशल एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स में, तो सस्टेनेबल है। एनवायरमेंट और इकोनॉमिक्स क्या वायबल है, सोशल और इकोनॉमिक्स क्या इक्विटेबल है। तो ये इश्यूज तीनों के हैं। देखिए जैसे समाज तभी बेहतर कर पाएगा जब बेहतर उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया तो फिर वो निश्चित रूप से सवाल है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे नीड के साथ साथ इस पर्यावरण को और जो आर्थिक सिस्टम है और सोशल सिस्टम है, तीनों कनेक्टेड भी है। अब उन तीनों कनेक्शन को आप देख रहे हैं, सोशल और एनवायरमेंट तो वेरिएबल है लेकिन सोशल और इकोनॉमिक्स जो है इक्विटेबल है। अब तीनों का मिलके क्या है, उसकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, देखिए समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इकोनॉमिक्स के बारे में भी सोचे और पर्यावरण संरक्षण के बारे में भी सोचे, ताकि सस्टेनेबल एनवायरमेंट के जो जो नारा है, जो सतत विकास का नारा है, उसको हम कारगर कर सके, उस पर अपनी भूमिका को सुनिश्चित कर सके। तो हम कोई सजेशंस की बात करते हैं, हम अपनी अपनी बात करते हैं, हर व्यक्ति के पास अपने अपने फॉर्मूलेज होते हैं इसमें। तो हम ये कुछ इथनिक इश्यूज हैं, इथिक्स हैं, कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पहला क्या है कि इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज। जब मैंने बात करी ना ग्रीन बोनस की बात करी, हम कहते हैं कि भारत में करीब 30% वन है, 20% वन है, जबकि होना चाहिए 1/3। और अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ उत्तराखंड में 65% वन है, जिसमें हमारे परपिचुअल स्नो भी है। तो ये बचाने के लिए हम क्या करें, ग्लोबल हम बात कर रहे हैं, अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं साहब ग्रीन बोनस दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर विकास होगा तो पर्यावरण निश्चित रूप से नुकसान में जाएगा तो उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा। अगर गंगा प्रदूषित हमारे गौमुख से हो गई तो फिर वो बनारस से होती भी, कानपुर से होती भी, जब गंगा सागर में जाएगी तो कैसे उसका सुधार हो। तो ना तमाम हम नमामि गंगे जैसे प्रोजेक्ट चला रहे हैं, लेकिन सवाल उसकी जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है उसको बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इक्विटेबल शेयरिंग देनी पड़ेगी, इक्विटेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि उसके साथ साथ हमें दोनों रिलेशनशिप बनानी होगी। ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सजेशन है। और दूसरा क्या है, ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो प्रकृति के साथ जो प्राकृतिक है, प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए अपनी भूमिका को सुनिश्चित करे। कंजर्वेशन ऑफ द नेचर शुड स्टार्ट एट इंडिविजुअल लेवल।